आई एम ऑल रेडी फॉर माई इंटरव्यू. आई एम अ लिटिल बिट नर्वस कि आई डोंट नो लाइक कैसा होगा, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे. सो आई एम जस्ट गोना गो थ्रू माई रेज्यूमे वंस एंड लाइक बी लाइक आई एम दिस पर्सन एंड या आई हैव डन दिस एंड लाइक जस्ट फील अ लिटिल कॉन्फिडेंट. So yeah, I'll see you after the interview and I hope I am satisfied and happy with how I answer. My interview got over. I think everybody was smiling and it was nice and sweet. But वो इस बात पर भी तो हंस रहे हो सकते हैं कि मेरे को कुछ आता नहीं है और मैं क्या बोले जा रही हूँ, पता नहीं. मतलब I answered everything but पता नहीं मैंने सही आंसर किया गलत आंसर किया ये नहीं पता भाई. अब ठीक है, अब इसका रिजल्ट 10th मई को आएगा तो देखते हैं. तब तक तो मैं शायद भूल जाऊंगी. नहीं, आई नॉट फॉरगेट अबाउट इट. ये रहेगा इसे सबकॉन्शियसली. बट या अब मैं और श्रिया जा रहे हैं लंच लेट. अभी हम नहाएंगे और फिर चलते. 12:30 की बुकिंग है मैडम. ओके, अब हम रेडी हो गए हैं और अब हम अपनी लंच डेट पे जा रहे हैं जहाँ पे श्रिया फर्स्ट टाइम पैड थाई नूडल्स खाएगी. यस, एंड इसका ऑलमोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट मान सकते हैं. नहीं बट ओके, चलो चलते हैं. अब हम हमारी डेट पे आए हैं और मेरा वाइव आए 3 बजे से और हम इतना लेट आए हैं हम दोनों की वजह से, क्योंकि हमारा आउटफिट डिसाइड नहीं हो रहा था. सच बताओ? सच बताओ, सच्चाई यही है. मैडम मान लेंगे, प्लीज ये गवर्नमेंट. इतनी अच्छी डेट में आ रही है, मेरा पेट ऐसे हो रहा है. एक्साइटेड. पैड थाई नूडल्स आ गए हैं. अब श्रिया को टेस्ट कराएंगे और फिर देखते हैं. श्रिया रिएक्शन. अब मैं अब लैब टेस्ट के लिए जा रही हूँ. फिर हम रात को पार्टी करने जाएंगे जिसमें साकेत भी इनवाइटेड है. अब और एनिमेश भी इनवाइटेड है.